दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा T20 मैच 16 तारीख को खेला जाएगा और ये मैच भी 7 बजे से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पहले मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और इस वजह से 5 मैचों की T20 सीरीज अब एक एक की बराबरी पर पहुंच चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम तीसरा T20 मैच जीतकर सीरीज में 2-1 से आगे बढ़ना चाहेगी। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि तीसरे T20 मैच के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम ने दूसरे T20 मैच में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था। ऐसे में इंग्लैंड की टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे टॉम करन की जगह फिर से मार्क वुड को खिलाया जा सकता है, क्योंकि टॉम करन दूसरे मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे। ऐसे में इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए जेसन रॉय और जॉस बटलर आएंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में डेविड मलन, जॉनी बेस्टो, इयान मॉर्गन, बेन स्टोक्स और सैम करन मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आचर, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद और मार्क वुड या टॉम करन में से कोई एक गेंदबाज खेलता दिखाई देगा। और तीसरे T20 मैच के लिए इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 इस तरह होगी। वहीं दोस्तों, बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम ने दूसरे T20 मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया था और केएल राहुल को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया था। ऐसे में भारतीय टीम में शायद ही कोई बदलाव देखने को मिले। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन और केएल राहुल या रोहित शर्मा में से कोई एक बल्लेबाज उतरेगा। और वहीं मिडल ऑर्डर में विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। दोस्तों, तीसरे T20 मैच के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस तरह होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है तीसरा T20 मैच कौन सी टीम जीतेगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।